हुआ है और उसका क्या नाम है वो राइडर अभी गया है, राइडर उसका भाई हसुआ नाम हसुआ जागरण, ठीक है। उसने इधर तैयारी की अच्छी तरह, सरकार फिजिकल एकेडमी में विश्वास रखा, उसका भी फिजिकल बहुत बार हुआ पर किसी कारण असफल रहा हुआ। उसने ये बोला सर मेरे भाई को निकाल दो आप तैयारी करें, मैंने 1100 रुपये लगाए। सर रुपया है नहीं, 100 रुपये नहीं है, मैं इसको फिजिकल निकाल के दे दूँ, मेडिकल निकाल दे के दे दूँ तो कितना देगा सर, मैं उस दिन आपको खुश कर दूंगा। अब नहीं आएगा वो, जरूर आएगा, ठीक है। इधर किसी से मैंने अब रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए करिए स्टार्ट इसलिए की है कि धर्मशाला समझो, अगर धर्मशाला में कोई एंट्री नहीं कर रहा है ना कहीं पे भी चले जाओ तो कुछ भी नहीं, आप अच्छी से तैयारी भी नहीं करोगे, आप एक दिन इधर हो दो दिन अकेले तैयारी करोगे तीसरे दिन भाग जाओगे, समझ रहे हो ना। जब आप रजिस्ट्रेशन इधर करा लोगे तो आप कहीं पे भी खड़े होंगे ना बाजार में भी, अगर आप मेरे को उल्टी सीधी हरकत करते हुए दिख गए कैसे टिक्की वाले के ठेले या मोमो सुंदर वाले उधर ही सूट दूंगा, मुर्गा बना दूंगा, ध्यान रखना आप। हाँ लड़कियों के हाथ ऊपर कर दूंगा वहीं पे, समझ रहे हो ना। तो मैं रजिस्ट्रेशन फीस किस लिए तैयार की है, मैंने एक साल हो गया, इधर आया थोड़ा इधर आया, पानी पानी के लिए पहुंच जाते सर, पानी बताओ। इसने मेरे साथ तैयारी की है, मैं जा रहा है आगे का नहीं हूँ, इसने मेरे साथ तैयारी की है, हमने दोनों ने आर्मी की तैयारी साथ साथ की थी, ठीक है। आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज तैयारी कर रहा है, मैं करा रहा हूँ, इसमें खुशी है, ठीक है। पवन जी पैदल है, नहीं सही है, सर हम संजन बनाएंगे जोरदार तालियां। चल पवन क्या बोलना चाह रहा है, बोल दे अपने दिल की आवाज। बहुत बहुत बताइए, देखो आज शिक्षक दिवस है इसलिए मैं सर के बारे में 4 लाइन कहना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षक दिवस के अवसर पर सर के बारे में कहना होगा। आज मतलब हर टीचर अपने मतलब स्टूडेंट को पढ़ाता है, सर हमें फिजिकल कराते हैं, तो सर ने अपना पूरा आज का पूरा जो शिक्षक दिवस था उसके बारे में अपन को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाया, बहुत अच्छा भी है, इसलिए सर के बारे में पहले कहूँगा मैं। सभी आगे आ जाओ, अगर आ जाओ सभी आ जाओ, मेरी बात सुनना पहले। अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन को किसी पर शासन करना है तो उसके लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन में ही शासन होता है, अनुशासन में शासन छुपा हुआ है, इसलिए बहुत अच्छे से सुनना। 4 लाइन मैंने अपने युवा साथियों के लिए अंत में सुनाऊंगा, क्योंकि पहले अगर ज़्यादा जोश में सुना दूंगा तो फिर बाद में नॉर्मल होना नहीं हो पाऊंगा, इसलिए अंत में 4 लाइन में बहुत जोश की सुनाऊंगा और अंत में तालियां बजाना। यहाँ का तापमान 10 डिग्री बढ़ना चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और मेरे क्लासमेट्स बैठे हुए ऋषिकेश और ऋषि आया, अरे आया, ये मेरे साथ पढ़े हुए हैं तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा, आयो यहीं खड़े हो जाओ, हौसला बढ़ाओ भाई का, ठीक है। आप उधर बैठे हो, हौसला बढ़ाना। सबसे पहले अपन गुरु वंदना करेंगे, क्योंकि आज गुरु गुरु मतलब शिक्षक दिवस है, इसलिए सभी सबसे पहला गुरु होता है अपनी माता। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपनी माता को याद करते हुए, सबसे प्रथम गुरु होती है माता, जिसने हमें बोलना चलना सिखाया है, चलने से भी काम नहीं चला तो फिर दूसरे गुरु हमारे सम्माननीय श्री गिरिराज सर जी, जिन्होंने हमें दौड़ना सिखाया, और अगर दौड़ने से भी काम नहीं चलेगा तो हमें उड़ना भी होगा, हम उड़ेंगे, हम उड़ने के लिए भी तैयार हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर गानों में सुना है कि हम चांद के पार जाएंगे, रियलिटी में पहुँच गए चांद के पार, इसलिए हम दौड़ेंगे भी। इसलिए सर गुरु वंदना करना चाहूँगा, मेरे साथ आप बोलें, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सर को मतलब यहाँ पे पैसे का लालच नहीं है, किसी भी टीचर को पैसे का लालच नहीं होता है,
क्योंकि हमेशा एक डॉक्टर होता है वो हमेशा चाहता है कि हर आदमी बीमार हो, एक वकील चाहता है कि हर आदमी जुल्मी हो, एक पुलिस वाला चाहता है कि हर आदमी चोर हो, और एक दारू का ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी शराबी हो, और एक ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी मजदूर हो। लेकिन टीचर, शिक्षक एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हमेशा चाहता है कि मेरा स्टूडेंट, मेरा शिष्य हमेशा बढ़े और अच्छा करे। 100 का फिजिकल मारा है, सर तो चाहते हैं कि 101 का मारे फिजिकल, लेकिन वो और अंत में मैं सुनाना चाहूँगा तुम्हें सर के बारे में कि यहाँ पे सारा खेल शिक्षक से चलता है। शिक्षक चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ सकता है, शिक्षक चाहे तो काल की गति को मोड़ सकता है। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक की निंदा से ही दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की कृपा दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं, और शिक्षक की अनदेखी से वो रावण भी कहलाते हैं। और अंत में मैं अपने साथियों के लिए कहना चाहूंगा जिन्होंने फिजिकल मारा है, जिससे हमारे अंदर जो जुनून आ रहा है, आज बच्चे दौड़ रहे हैं, आज सास बाबा के मतलब वहां तक दौड़ते चले गए, पता ही नहीं चला कब तक वहां पे पहुंच गए, और लौट के भी आए, जिनमें से दो हमारी सिस्टर भी थी। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कोशिश तो की कम से कम। इसलिए सर के ये अपने साथियों के बारे में मैं कहना चाहूँगा, आप ध्यान से सुने, और तालियों की गड़गड़ाहट से मैंने आपसे पहले कहा था, बोला कब जाएगा यार, बना लेना, रोक के वीडियो बना लेना, बस लास्ट में चार लाइन है उनको मैं निकालना। पहली लाइन सर के बारे में है कि भटकना जिनकी आदत है, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, लिखा इतिहास में कि भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में कि भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु निंदा जो करते।